हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट बायोगेन वंस अगेन। दोस्तों, आपने रेड बुल के बारे में जरूर सुना होगा क्योंकि यह एक एनर्जी ड्रिंक के नाम से बिकती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ इंडिया में पॉपुलर है, यह पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा बिकती है और लोग सोचते हैं कि इससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। और इस पर एड में आता है कि आपको इससे उड़ने की शक्ति मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रेड बुल कितनी उड़ने की एनर्जी देता है और इसी के साथ कितनी हेल्दी है ड्रिंक है और क्यों यह इतनी पॉपुलर है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको क्यों एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेचा जाता है और क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि इससे उन्हें एनर्जी मिल रही है। तो इसका सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट होता है कैफीन, जो कि आप जितनी एक कप कॉफ़ी पीते हैं जितना कैफीन आपको मिलता है, मतलब कि 75 से 80 ग्राम कैफीन आपको मिलता है इस एक कैन में। और दोस्तों, इसी के साथ साथ इसमें कुछ अमाउंट मिलाया गया है टोरिन, जो कि आपके ब्रेन सेल को एक्टिवेट करता है और आपको ऐसा लगता है कि आपको उड़ने की शक्ति आ गई और आपको एनर्जेटिक फील भी होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या खास चीज़ें मिलाई गई जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको शुगर लेवल मिलाया गया है, जितनी आपकी डेली रिक्वायरमेंट होती भी नहीं है उससे ज़्यादा शुगर इस एक कैन में आपको मिलता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आप पूरे ओवरऑल दिन में बहुत सारी अलग बाहर से भी शुगर लेते हैं जिसके कारण आपका शुगर लेवल बॉडी में हाई हो सकता है और अगर आप इसको रेगुलर पीते रहते हैं तो आपको कई सारी शुगर से जुड़ी हुई बीमारियाँ हो सकती हैं। दोस्तों, वैसे भी शुगर का ज़्यादा इंटेक आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अगर आपको मीठी चीज़ खाने में तो आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ साथ हेल्दी ड्रिंक के नाम पर इसमें मिलाया गया है CO2 और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव, जो कि आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम देते हैं और हार्ट की कई सारी डिसीज आपको क्रिएट करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत सारे देशों में बैन कर दी गई है क्योंकि दोस्तों, इसके बहुत सारे नुकसान हुए और कई सारे लोगों की इससे जान भी गई है। क्योंकि दोस्तों, रेड बुल का ज़्यादा इंटेक बहुत ही हानिकारक होता है आपको और आपको एक टाइम पर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पर जैसे ही आप इसको पीना छोड़ते हैं उसके आपको आधा एक घंटे बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी डाउन लगती है और आपको बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं होती और आपको ऐसा लगता है कि आपको नींद आ रही है और आपको बेहोशी जैसा भी लग सकता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि रेड बुल को कई सारे देशों में बैन कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों, इससे बहुत सारे लोगों की तबीयत भी खराब हुई है, बहुत सारे डिसीज़ भी क्रिएट हुए हैं और इसी के साथ साथ दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों की जान भी गई है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, यह आपको सडनली बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है कैफीन होने के कारण और इसी के साथ शुगर लेवल होने के कारण और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एकदम से एनर्जी देते हैं, पर जैसे ही आप इसको पीना छोड़ते हैं आपको इसके एक दो घंटे बाद बहुत ही एनर्जी डाउन लगता है और अगर आपको इसकी रेगुलर आदत पड़ जाती है तो आपको बेहोशी जैसा भी महसूस हो सकता है अगर आप इसको लेते नहीं हैं। और दोस्तों, इसमें इतने सारे केमिकल होने के कारण आपको आदत लग जाती है, इसलिए दोस्तों, काफ़ी सारे देशों में इसको बैन कर दिया गया है क्योंकि दोस्तों, इसमें ऐसे केमिकल मिलाए गए जो कि इंसान को हैबिचुअल बना देते हैं इसको इंटेक करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे हो कि हम रेड बुल नहीं पिए तो एनर्जी के लिए क्या पिए, तो दोस्तों, उसका भी सॉल्यूशन है। अगर आपको कभी भी एनर्जी की जरूरत लगती है तो आप एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं जिसमें कि दोस्तों, आपको भरपूर मात्रा में कैफीन मिल जाता है और दोस्तों, इसी के साथ साथ एनर्जेटिक फील भी होता है और आपको कोई भी केमिकल नहीं मिलता है जो कि आपको नुकसान नहीं करेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको यह पूरा वीडियो समझ आया होगा। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ साथ वीडियो हेल्पफुल लगाओ, नॉलेजेबल लगाओ तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिए और अपने सगे संबंधियों करीबियों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलिए। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अगली अमेजिंग वीडियो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत माता।